नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर को होने वाला अपेक्स बैंक एग्ज़ाम जो होने वाला था उसका भी एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अब होगा ये 29 तारीख को, है ना। तो इस बीच आप सभी को तैयारी करना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। हमारा पुराना पिछला वीडियो देखिए जिसमें हम अपेक्स बैंक से रिलेटेड सारे सिलेबस को कवर करने का कोशिश किया है, जिसमें अधिनियम से रिलेटेड और छत्तीसगढ़ जीएस से भी रिलेटेड। छत्तीसगढ़ जीएस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 20 मार्क्स में आपको 10 नंबर लाना ही है उसमें, है ना। तो ये करंट अफेयर है। ये करंट अफेयर का जो सीरीज जुलाई टू अक्टूबर के बीच में जितने भी करंट की घटनाएं हुई है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, वो तो सारे फैक्ट्स हमने इस आज के सीरीज में ऐड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपेक्स बैंक के इस करंट अफेयर एमसीक्यू सीरीज को। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा 2023 ध्यान में रखिए, 2023 में कितने दिनों का मनाया जाएगा। जनरली हम जानते हैं कि बस्तर दशहरा 75 दिनों का मनाते हैं, है ना, लेकिन अब इस बार 2023 में ये 107 दिन का है, तो 5 नहीं है, है ना, इसको ठीक कर लीजिएगा, 107 दिन का मनाया जाएगा। ठीक, बस्तर दशहरा मोस्ट फेमस है वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा टाइम तक लॉन्ग किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है वह बस्तर दशहरा। तो इसका मेजरली 75 डेज तक ही सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार 2023 में 107 दिन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार किया गया, जिस जिले में किया गया उसका नाम बताइए, वह है रायगढ़ का रामलीला मैदान। यहाँ पे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से कलाकार लोग अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए थे, है ना। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा छत्तीसगढ़ में, कहाँ हुआ है, रायगढ़ के रामलीला मैदान में। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कितने मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ये जो धान खरीदी का जो लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं एग्जाम में हर साल पूछता है, 2022-23 में कितना रखा गया था, तो 23-24 में अभी रखा गया 125 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी का टारगेट रखा है हमारी स्टेट। मितान योजना के तहत सेवा के लिए टोल फ्री नंबर है, तो नंबर है आपका 14545 1454। इस मितान योजना में आप लगभग लगभग 25 टाइप के डॉक्यूमेंट इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके घर बैठे बनवा सकते हैं, ना जैसे कास्ट सर्टिफिकेट होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, इनकम सर्टिफिकेट होगा, बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसे लगभग 25 प्रकार के आप इस मितान योजना के तहत घर बैठे इस टोल फ्री नंबर में कॉल करके अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना का कब प्रारंभ किया गया, ये प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 2023 को। बेरोजगारी भत्ता आप सभी जानते हैं 2500 रुपये, तो ऐसे युवा जो शिक्षित है लेकिन उनके पास अभी रोजगार नहीं है वर्तमान में, तो उनको 2500 रुपये हर महीना दिया जाएगा इस बेरोजगारी भत्ते योजना के तहत। ये योजना लागू किया गया था 1 अप्रैल 2023 को। न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका द्वारा छत्तीसगढ़ के किस हिंदी साहित्यकार को पेन या नाबोको पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इसको विनोद कुमार शुक्ल जी को पेन जो है पेन अमेरिका अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का मूल निवास कहाँ है, मतलब वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, वे हैं उड़ीसा। और हमारे छत्तीसगढ़ में गवर्नर बनने से पहले, राज्यपाल बनने से पहले वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। ठीक, ये पूछा जाता है पहले कहाँ के राज्यपाल थे, यदि हैं अभी हम वर्तमान में तो वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ध्यान रखें उड़ीसा से हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बनने से पहले वे आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की कितनी संख्या है, तो वह है टोटल 17। अभी धीरे धीरे बाघों की जनसंख्या कम होती जा रही है हमारी छत्तीसगढ़ में, है ना, 46, 25, फिर 90, फिर उसके बाद अभी हो गया 17। तो राज्य सरकार ने बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए, कुनबा को बढ़ाने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन को लेटर लिखा है कि कम से कम 2 फीमेल जो टाइगर्स है वो हमारे छत्तीसगढ़ में लाया जाए।
तो ये आपको जनगणना 2022 का जो जनगणना है बाघ का, उसमें ध्यान रखना। अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 17 टाइगर हैं। छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधिकारी को दंतेवाड़ा में चलाए गए लोन व राटू कार्यक्रम के लिए फिक्की अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? आपने यूट्यूब में देखा ही होगा, अक्सर ये काफी लाइमलाइट में रहते हैं, डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी। इन्हें दंतेवाड़ा में जो लोन व राटू, ये लोन व राटू कार्यक्रम, ध्यान रखें, लोन व राटू कार्यक्रम के लिए फिक्की अवार्ड दिया गया था। इसमें क्या होता है कि जो युवा नक्सलिज्म से जुड़ जाते थे और उनको वापस बुलाया जाता था इस लोन व राटू कार्यक्रम के तहत, और उनको उनके हिसाब से जो भी एबल है, उनके अंदर जो भी एबिलिटी है वर्क के लिए, है ना, उनको उसके हिसाब से जॉब या किसी भी टाइप का वर्क दिया जाता था, या जो भी कार्य वो करना चाहे उसके लिए संसाधन या सुविधा प्रोवाइड कराया जाता था लोन व राटू के तहत। तो ये लोन व राटू डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी ने चलाया था दंतेवाड़ा में, और इनके लिए इनको फिक्की अवार्ड दिया गया था। क्वालिटी एजुकेशन हेतु वर्ल्ड बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ के इस योजना में वित्तीय सहायता दी जा रही है, वह है चाल्क परियोजना। चाल्क परियोजना में देखिए, ये इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें वर्ल्ड बैंक का हाथ है। वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा चाल्क परियोजना के लिए, और लगभग ये 400 करोड़ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देगा वो, 400 करोड़, है ना। इसमें क्या होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो स्कूल है, लगभग 600 मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, या जो स्कूल है उसको मॉडल स्कूल के तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक, है ना। इसमें साइंस कॉमर्स जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये जो सब्जेक्ट में इसको बेहतर तरीके से, जैसे कि डिजिटल बोर्ड से पढ़ाना और प्रैक्टिकल लैब प्रोवाइड कराना, ये सब इस मॉडल स्कूल के अंतर्गत में आएगा। चाल का प्रयोजन के तहत इसको डेवलप करें, है ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 400 करोड़ रुपये दिया जाएगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, वर्ल्ड बैंक द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, फाइनेंस किया जा रहा है। अठारवा G20 का फोर्थ व अंतिम बैठक छत्तीसगढ़ में कब से कब तक हुआ? वो टाइम है 18 से 19 सितंबर तक, 9 से 10 सितंबर तक, 9 से 10 सितंबर के बीच में 18वां G20 जो ग्लोबल समिट है, बैठक जिसमें सारे कंट्री के जो जितने भी लीडर्स थे, जितने भी मिनिस्टर थे, वो सारे आए थे हमारे नई दिल्ली में, वो टाइम था 9 से 10 सितंबर। अगर इंडिया में पूछे तो 9 से 10 सितंबर, और बैठक का अगर पूछे जनरली जो उनके जो कहना चाहिए प्रतिनिधिकर्ता जो थे हर एक कंट्री के, तो अलग अलग हमारे देश में लगभग 200 बैठकें हुई है G20 का, उसमें से एक बैठक हमारे रायपुर में भी हुआ, वो डेट था 18 से 19 सितंबर की। देश का सबसे बड़ा व राज्य का पहला मिलेट्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहाँ लगाया गया है? मोटे अनाज का जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ लगाया गया है? देखिए, ये हमारा दक्षिण छत्तीसगढ़ है, है ना। दक्षिण छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज की खेती होती है, ठीक। तो कहीं ना कहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के किसी एक जिले में लगाया होगा, तो वो जिला है कांकेर। कांकेर के एक जगह है नाथिया नवा गाँव। नाथिया नवा गाँव में सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है। अब चूँकि 2023 को UN के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, है ना। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट आपका कांके के नाथिया नवा गाँव में। सितंबर 2023 रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया, यहाँ कौन से क्रम का समारोह था? क्रम तो अक्सर पूछे जाते हैं, अगर चक्रधर समारोह के बारे में पढ़ रहे हो तो उसका क्रम ध्यान में रखिएगा, ये था 38वें क्रम का, है ना। 1985 स्टार्ट हुआ है, 1985 से, ठीक। ये रायगढ़ का चक्रधर समारोह का आयोजन स्टार्ट हुआ है, तब से लेके अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, और ये 38वें क्रम का है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लाख पालन मछली पालन के बाद अगस्त 2023 में किन दो खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है? वो है सेरीकल्चर और एपीकल्चर।
रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन, ये आरईओ में भी काम आ सकता है आपका क्वेश्चन, यहाँ से तो डेफिनेटली बनेगा, है ना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लाख पालन मछली पालन के बाद रेशम कीट पालन और मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया है। नजीमा बानो किस खेल से संबंधित है? नजीमा बानो संबंधित है किक बॉक्सिंग से। अभी यूएई में एक चैंपियनशिप चला था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था नजीमा बानो जी ने। तो जो खिलाड़ी हैं वो जिस खेल से संबंधित है वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे ज्ञानेश्वरी यादव जी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान में रखिए नजीमा बानो जी किक बॉक्सिंग से संबंधित है। राज्य के किस विशेष पिछड़ी जनजाति को पर्यावास अधिकार दिया गया? हैबिटेट राइट दिया गया है कमार जनजाति को। धमतरी के आसपास के जो क्षेत्र में बसने वाले कमार जनजाति के ट्राइब्स के जो लोग हैं उनको ये हैबिटेट राइट दिया गया। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहले ट्राइब्स से दिन को ऐसा अधिकार दिया गया है, है ना। इनके विशेष कार्य आप ध्यान में रखिएगा, विशेष कार्य से पूछा जाता है क्वेश्चन 5 से टोकरी बनाने का काम करते, 5 से टोकरी बनाने का काम करते हैं। और जनजाति से रिलेटेड आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो हमारे पिछले वीडियो देखिए, उसमें एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है इन ट्राइब्स के ऊपर, तो आप वहाँ जा करके जितने भी जनजाति हैं उनसे रिलेटेड आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WA Sisang किस जनजाति से थे? वे थे नागा जनजाति से। अब क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि अभी 2 अगस्त 2023 में उनका निधन हो गया है, मणिपुर से थे वे। और क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले चीफ जस्टिस, इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, ये नागा जनजाति से थे, ध्यान में रखिएगा WA Sisang। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2023-24 धान खरीदी के लिए MSP में कितना रुपए की वृद्धि किया? वो है 143 रुपए का, 143 रुपए का MSP में वृद्धि किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया? अमृत भारत रेलवे स्टेशन में जितना भी हमारे इंडिया का जो भी ऐसा रेलवे स्टेशन है, उस सारे रेलवे स्टेशन को एक हाईटेक रेलवे स्टेशन में डेवलप कर रहे हैं, उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के भी रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। तो लगभग 32 रेलवे स्टेशन है जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन कहता है उसको डेवलप किया जाएगा। प्रदेश का पहला मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है, ध्यान में रखिए मक्का आधारित है ना, वो बनाया जा रहा है आपका कोंडा गांव कोकोड़ी में, मां दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग यूनिट के ठीक बगल में कोंडा गांव कोकोड़ी में मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट। गन्ना आधारित बनाया जा रहा है कबीर धाम रामेपुर में, ये गन्ना आधारित बन चुका है ये, ठीक, गन्नाधारित बनाया गया कबीरधाम रामेपुर में और मक्काधारित बनाया गया कोंडा गांव कोकोड़ी में। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना की शुरुआत कब किया गया? वो डेट है 10 सितंबर 2021 को, इस दिन मिलेट मिशन का शुरुआत किया गया था हमारे छत्तीसगढ़ में। प्रदेश का पहला टेनिस एकेडमी बनाया गया, कहाँ बनाया गया? वह लभांडी रायपुर में, ये हमारे छत्तीसगढ़ का पहला टेनिस कोर्ट है। वर्तमान 2023 में छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव कौन है? वे मुख्य सचिव हैं श्री अमिताभ जैन जी। छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया गया, इसका शुभारंभ किया गया था 19 जुलाई 2023 को। इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे नागरिक जो बिलो पॉवर्टी अप्लायंस नीचे और जिनके पास घर नहीं, यदि घर है भी तो कच्चा मकान है, तो उनको पक्का मकान बनाने के लिए जो आर्थिक सहायता जो है इस ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, है ना। तो इस योजना का प्रारंभ किया गया था 19 जुलाई 2023 को। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वे हैं श्री रमेश सिन्हा जी। रमेश सिन्हा जी को 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए हैं, ध्यान में रखिए हमारे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है बिलासपुर में, है ना। और ये हमारे कंट्री का
19वें नंबर का हाई कोर्ट है। ठीक, अभी वर्तमान में रमेश सिन्हा जी यहाँ के चीफ जस्टिस। जल मितान कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, क्या है? गवर्नमेंट ने नल जल योजना के तहत नल कनेक्शन तो प्रोवाइड करा दिया, अभी इसको ऑपरेट करने के लिए उन्हें कोई ना कोई एम्प्लॉय चाहिए। तो जल मितान कार्यक्रम के तहत जो है, जो जल मिशन, जल जो नल जल मिशन जो चलाया गया, अब उसको ऑपरेट करना है, तो उसके लिए जो हायर किए हैं लड़के जल मितान कार्यक्रम के तहत, है ना, तो वो हायर करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। ठीक, प्रदेश का पहला बम्बू पार्क है, प्रदेश का पहला बम्बू पार्क का नाम है लमानी बम्बू पार्क, ये आपको मिलेगा जगदलपुर में, लमानी बम्बू पार्क। यहाँ पे असम का जो एक बम्बू का वैरायटी है सुंदर कोया, और इसके साथ साथ लगभग 200 से भी ज़्यादा बम्बू का वैरायटी आपको लमानी पार्क में मिलेगा, ये जगदलपुर में स्थित। छत्तीसगढ़ राज्य का पहला व देश का पीपीपी मॉडल आधारित पहला एथेनॉल प्लांट कवर्धा कबीरधाम में लगाया गया, ये लाइन आप ध्यान रखिए, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। प्रतिदिन कितने KLDP एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है? रोज 80,000 लीटर पर डे का उत्पादन किया जाएगा कबीरधाम कवर्धा रामपुर में। नाश्ता प्रदाय योजना के तहत स्कूली बच्चों को सुबह नाश्ता देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला कौन सा? क्या देखो, सरकार मिड डे मील योजना चलाती है जिसमें मध्याह्न भोजन खिलाते हैं दोपहर में, लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसा चाह रही है कि सवेरे ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाए, तो एक नाश्ता प्रदाय योजना लाया गया है। और इस चीज़ को लागू करने वाला हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला जिला है नारायणपुर, जहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक, ये ध्यान में रखें। निम्न में से किन्हें 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है? वो देखिए, उषा बार्ले जी, अजय कुमार मंडावी, डोमार सिंह और श्री मोक्षदा ममता चंद्र, तो इन्हें नहीं, बाकी इन तीनों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उषा बार्ले जी को पंडवानी गायन के क्षेत्र में, अजय कुमार मंडावी को कास्ट कला के क्षेत्र में, और डोमार सिंह जी को नाचा पार्टी कला के क्षेत्र में। ठीक, मोक्षदा ममता चंद्राकर जी, ये ध्यान में रखें, भी वर्तमान के ये कुल सचिव हैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के अभी ये कुल सचिव हैं, इतना ध्यान में रखें। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था 21 मार्च 2023 को। ठीक, इसमें क्या है, सरकार चाहती है कि किसान जो परंपरागत जो खेती करते आ रहे हैं उसको छोड़ के अपना इनकम बढ़ाने के लिए कम से कम ऐसे फॉरेस्ट पेड़ पौधों का खेती करें जिनसे उनका इनकम, इमारती लकड़ी का, इन तमाम प्रकार का जो पेड़ पौधा है उनका खेती करें जिससे उसका इनकम डबल हो सके, है ना, तो उनके लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना लाया गया है। इसका डेट आप ध्यान में रखिए 21 मार्च 2023। राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 और 28 कब लागू किया गया? 6 अप्रैल 2023 को ये राज्य महिला उद्यमिता नीति लाया गया है, जिसमें यदि कोई महिला चाहती है कि किसी भी प्रकार का उनको इंडस्ट्री डेवलप करना है या लगाना है, छोटा सा लघु इंडस्ट्री भी लगाना है, तो उसके लिए राज्य सरकार फाइनेंस करेगी। ठीक, ये लाया गया है 6 अप्रैल 2023 को। छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु ऐप का नाम बताइए। देखिए, वो है छत्तीसगढ़ सेस, एस से सोशल इकोनॉमी सर्वे। ठीक, छत्तीसगढ़ सेस, ये लाया गया था सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। खरीफ सीजन 2023-24 धान खरीदी के लिए सामान्य व ग्रेड ए धान के लिए MSP तय किए गए हैं। MSP तय किया गया है 2183 रुपया सामान्य धान के लिए और 2203 रुपया ए ग्रेड धान के लिए, है ना, प्रति क्विंटल, यह आंकड़ा प्रति क्विंटल के लिए, प्रति क्विंटल
में खरीदा जाएगा, 2183 और 2203। छत्तीसगढ़ के बेस्ट टूरिज्म विलेज है। अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें हमारे देश के लगभग 795 गांव का नाम भेजा गया था, उसमें से हमारे छत्तीसगढ़ के सरोदा दादर गांव को बेस्ट टूरिज्म अवार्ड का मतलब सिल्वर कैटेगरी में शामिल किया गया। सिल्वर कैटेगरी में शामिल करने के बाद ये गांव हमारे छत्तीसगढ़ का बेस्ट टूरिज्म विलेज कहलाने लगा, है ना। और ये है आपका कवर्धा में या कबीरधाम जिले में, ठीक, ध्यान में रखिए, ये कवर्धा है कबीरधाम जिले। निम्न में राज्य शासन द्वारा पर्यटन केंद्र या बॉटनिकल गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा, इसे विकसित किया जाएगा झुमका बांध को आइलैंड, झुमका बांध या झुमका आइलैंड को बॉटनिकल गार्डन के रूप में डेवलप किया जाएगा, ये है आपका कोरिया जिले में। छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जहां एक विधानसभा है, जैसे आप अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही सकता है, तो ये ऐसा टोटल हमारे छत्तीसगढ़ में 8 जिले हैं जहां पे सिर्फ एक विधानसभा सीट है। कौन कौन से देख लेते हैं, कोरिया, करेला, पेंड्रा, मरवाही, है ना, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई और मानपुर मोहला, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे टोटल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ केवल एक विधानसभा सीट, सॉरी 8 ऐसे जिले हैं जहाँ सिर्फ एक विधानसभा सीट। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, वह है श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले। रीना बाबा साहेब कंगाले जी। राम वन गमन पथ के लिए कुल जगहों को चिन्हित किया गया, कुल कितने ऐसे साइट्स हैं जिसको राम वन गमन पथ के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा, हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 70 साइट्स हैं। सीतामणि हर चौका से स्टार्ट होगा, सुकमा के रामाराम में खत्म हो जाएगी, इसका कुल लंबाई आप ध्यान में रखिए 2260 किलोमीटर। राम वन गमन पथ के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, आप जाकर के देखिए हमारे चैनल में, आपको सारे डिटेल इसके बारे में मिल जाएगा। केंद्र के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस स्थान का चयन किया गया है, प्रसाद योजना के तहत भारत में ऐसे पर्यटन क्षेत्र जिसको तीर्थ के रूप में डेवलप्ड करना है ना, धार्मिक आस्था का जो केंद्र है इसे तीर्थ के रूप में डेवलप करना है, तो उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो जिस प्लेस को सेलेक्ट किया गया है वो है डोंगरगढ़, ध्यान में रखिए, केंद्र प्रसाद एक ही जगह है मात्र, केंद्र प्रसाद योजना के लिए डोंगरगढ़ को सेलेक्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन का नाम क्या है, गार्डन का नाम है रामाराम, रामाराम जिला सुकमा, और रामाराम को राम वन गमन पथ के अंतर्गत डेवलप भी किया जा रहा है, वहीं पे ये रॉक गार्डन बनाया गया, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नवीन कार्यकारी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है, कार्यकारी अध्यक्षता सौंपी गई अभी प्रवीण वर्मा जी को, पहले टॉमन सी सोनवानी जी थे, अब रिटायर्ड हो गए तो उनके जगह पे कार्यकारी अध्यक्षता प्रवीण वर्मा जी को दिया गया। छत्तीसगढ़ का पहला स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ खोला गया, तो हमारे पुराने कार है जो 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, है ना, उन सारे कार्स को स्क्रैपिंग किया जाएगा, स्पेशली गवर्नमेंट के जो कार है सरकारी विभाग में उनको, तो उसके लिए जो स्क्रैपिंग सेंटर खोला गया है वो है रायपुर धनेली, ग्राम धनेली ना, ध्यान में रखिए, रायपुर के ग्राम धनेली में खोला गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2023-24 के लिए कोदो कुटकी के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि किया गया, ये वृद्धि का जो अमाउंट है वो है 200 और 250 रुपये, कोदो के लिए 200 और कुटकी के लिए 250 रुपये। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया, आप सभी जानते हैं चंद्रयान 3 जो मून है उसके साउथ पोल पे 23 अगस्त 2023 को लैंड किया, है ना, तो जिस दिन ये लैंड किया उसी दिन को यादगार बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया, तो ये 23 अगस्त आपको ध्यान में रखना। 37th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है, वो राज्य कर रहा है गोवा, गोवा राज्य है जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया की मेजबानी कर।
2024 में होने वाले ओलंपिक का मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस, पेरिस में होगा 2024 में होने वाला ओलंपिक, है ना। भारत अभी प्रयास कर रहे हैं कि 2036 में होने वाला ओलंपिक का मेजबानी करें, देखते हैं 2036 में मेजबानी कर हम मिलता है कि नहीं हमारे कंट्री को। तो आज के लिए बस इतना ही, ध्यान में रखिए 29 तारीख को पेपर होने वाला है अपेक्स बैंक का, और अपेक्स बैंक से रिलेटेड जितना भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा, जो भी टॉपिक या क्वेश्चन, वो सारे टॉपिक और क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। और हमारा पुराना वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा, उसमें हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो डाले हुए हैं ना। कमेंट करके आप बताइए कि और कौन किस टॉपिक्स, मतलब हम लोग वीडियो बनाएं, एमसीक्यू सीरीज लाएं। तब तक के लिए